अमेरिका पर चीन का आर्थिक हंटर क्यों? मॉस्को ने पुतिन के घर के पास कैसे लगाई गोदाम में आग? अमेरिका के जंगलों में लगी आग से कितने लोगों को की जान गई? फाइटर जेट में तेल रिजर्व से कहा बचा हड़काम? बाकी ग्लोबल खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप नाइन। ग्लोबल चीन पर अमेरिका ने एक बार फिर हंटर चलाया। चीन की संवेदनशील तकनीक जैसे कंप्यूटर चिप में अमेरिकी निवेश पर रोक लगाई गई है। इससे चीन के सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर पर असर पड़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी देशों को वेपन कारोबार में जबरदस्त मुनाफा हुआ है। पश्चिमी वेपन निर्माताओं का मुनाफा 200 बिलियन डॉलर के लेवल को पार कर गया है। अमेरिका की 5 टॉप कंपनियों को 196 बिलियन डॉलर का लाभ हुआ है। रूस में उस समय हड़कंप मच गया जब देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर के पास एक गोदाम में आग लग गई। ये आग मॉस्को के पश्चिम में एक शहर ओंडुत्सोवो के एक गोदाम में लग गई। आग लगने से गोदाम की छत को काफी नुकसान पहुंचा है। रूसी आपातकालीन सेवाओं ने कहा है कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। अमेरिका के जंगलों में भीषण आग लग गई है। इस अग्निकांड में जलकर 53 लोगों की मौत हो गई। अग्निकांड के बाद कई लोग लापता हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आग के तांडव से पूरा शहर जलकर खाक हो चुका है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। अमेरिकी इतिहास में यह सबसे भीषण आग की आपदाओं में से एक है। ताइवान के चुआनकांग एयरबेस पर फाइटर जेट में तेल रिसाव होने से हड़कंप मच गया। ताइवान का फाइटर जेट एयर शो में करतब दिखा रहा था, तभी फाइटर जेट के पिछले हिस्से में तेल रिसाव होने लगा। 4 अगस्त को डैमेज हुआ रूस का तेल टैंकर जहाज ब्लैक सी में एक बार फिर दिखाई दिया। रूस के इस जहाज को ब्लैक सी में ड्रोन अटैक से यूक्रेन ने डैमेज कर दिया था। अब रूस ने इस तेल टैंकर की मरम्मत कर एक बार फिर से समंदर में उतार दिया है। ग्लोबल टेंशन के बीच रूस अब अफ्रीकी देशों को 50,000 टन अनाज की मुफ्त सप्लाई करेगा। ब्लैक सी में अनाज समझौता रद्द होने के बाद अफ्रीकी देशों में अनाज संकट की आशंका थी। इसी वजह से रूस ने अफ्रीकी देशों में अनाज की मुफ्त सप्लाई का फैसला किया। रूस ने 47 साल बाद चांद पर अपना मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया। ये चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। इस मिशन का मकसद चंद्रमा पर पानी की खोज करना है। 1976 के बाद रूस ने मून पर यान भेजा है। इसे आमुर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से मिशन लूना 25 लॉन्च किया। नॉर्वे में बाढ़ और बारिश से नदियां उफान पर हैं। बाढ़ ने कई इलाकों में कोहराम मचाया है। बाढ़ से कई घर तबाह हो गए। तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। बाढ़ में फंसे 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।